नमस्कार दोस्तों, ऑटो हर्षस्टाइन के इस चैनल पर स्वागत है और फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ महिंद्रा की XUV 400, जिसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया था दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मैं कल मिस कर गया था, तो आज इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे भी दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी दूसरी चैनल दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल जितनी भी गाड़ी आती है उसमें इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले महिंद्रा की XUV 400 के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते ही है कि महिंद्रा अपनी XUV 400, महिंद्रा थार एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो के ऊपर अभी वर्किंग कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल XUV 400 की अपडेट हमारे पास है तो मैं आपके साथ पूरी शेयर करता हूँ। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है ऑटो एक्सपो 2020 में। अगर इस कार की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट या फिर कहा जाए कि एक्सपेक्टेड लॉन्च इंडियन मार्केट में मार्केटली कब हो जाएगी, तो ये कार आपको अप्रैल 2020 तक इस कार को लॉन्च हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं डायमेंशन की बात करूं तो लेंथ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी 4.4 मीटर, विड्थ मिल जाएगी 1.8 मीटर एंड हाइट आपको काफ़ी अच्छी 1.63 मीटर आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये कार ग्लोबली जो एस्टेब्लिश है सैन्योंग की टिवोली, इसी बेस प्लेटफॉर्म पे आपको XUV 400 मिलेगी। X100 प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो महिंद्रा की जो अल्टारोज आती है रेक्सटोन बेस्ड, वही कार आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च देखने को मिल जाएगी। अगर तो दोस्तों जो XUV 500 नहीं खरीदना चाहते और अभी फिलहाल लॉन्च हुई XUV 300 को खरीदना नहीं चाहते, तो उसी के लिए महिंद्रा ने ऑप्शन दिया हुआ है XUV 400 खरीदने के लिए। दोस्तों XUV 400 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको महिंद्रा मराजो में मिल जाते हैं, वहीं आपको प्लेटफॉर्म शेयर किया है, वहीं फीचर शेयर किया है और उसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत आपको मराजो के साथ से कम्पीट करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर बात करें उसकी इंजन पावर, तो उसमें आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, उसके साथ साथ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर इस कार की इंजन ऑप्शन यानी कि डीजल इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन जो टर्बोचार्ज यूनिट के साथ मिलेगा और जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 123 BHP मिल जाएगी, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क आपको 300 Nm का एंड पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 130 टू 140 PS पावर। ये दोनों कार आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी। अगर इस कार की मैं कंपटीटर की बात करूँ, मतलब जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तब कंपीट करेगी अपने सेगमेंट में आने वाली अपकमिंग क्रेटा 2020, किया सेल्टोस, MG हेक्टर और आने वाली अपकमिंग किया सेल्टोस 7 सीटर के बारे में पूरी आपको ये कम्पीट करेगी। बात करते हैं दोस्तों उसकी एक्सटीरियर की, तो XUV 300 में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते थे, जो आप एलिमेंट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपको आने वाली XUV 400 में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आने वाली XUV 400 आपको कैसी लगेगी, क्या अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे, वो भी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों आने वाली 7 सीटर XUV 400 काफ़ी अच्छी वाली होने वाली है, बॉक्सी डिज़ाइन मिलेगी, कंपनी की सिग्नेचर ग्रिल दिखने को मिल जाएगी, लार्ज प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखने को मिल जाएगा, LED बम्पर्स या फिर बिग बम्पर कहा जाए और या फिर बिग हेडरूम, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। लुक दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप एक्सटीरियर की और देखें तो, और ये कार 7 सीटर ऊपर से है तो उसमें आपको पैसेंजर के लिए काफ़ी लेगरूम अच्छा मिल जाता है, काफ़ी अट्टी और बढ़िया आपको पैसेंजर लिए के अच्छी ली देगी, ताकि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा MG हेक्टर और 7 सीटर आने वाली किया सेल्टोस को भी टक्कर दे पाए। दोस्तों कैबिन की बात करूँ तो कैबिन में आपको सिस्टर सिबलिंग एंड हाई एंड फीचर्स वेलकम एंड ड्यूलसन क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, उसके साथ आपको 7 एयरबैग मिल जाएगी, कलर MID मिलती है, स्मार्ट स्टेयरिंग, 7-inch टच स्क्रीन मिल जाती है और दोस्तों XUV 300 में आपको डिस्प्ले मिलते हैं, उसी तरह आपको ऑल व्हील ड्राइव और ऑल जितने भी आपको मोड्स देंगे उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस कार की बात करूँ मैं कि जब इंडियन मार्केट में ये कार लॉन्च होगी तो कम्पीट करेगी, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन दोस्तों MG हेक्टर की जो 7 सीटर आने वाली है उससे भी ये कार कम्पीट करने वाली है। तो दोस्तों ऑल ओवर लुक देखा जाए तो XUV 400 को काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। फ्रंट से लुक आप देखें तो उसमें आपको जो डायरेक्टली किडनी ग्रिल है वो अपनी बेस्ड है सैन्योंग की रेक्सटोन के बेस पे, तो महिंद्रा अपनी इस कार को लॉन्च करेगा करीबन अप्रैल या फिर अप्रैल 2020 में ही कर सकते हैं, लेकिन ऑटो एक्सपो में ये डिब्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि ये कार आपको कैसी लगी और अगर आप इस गाड़ी को या फिर एक SUV परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये सही मौका रहेगा या फिर नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के चल रहे हो तो कौन कौन से गाड़ियों से आप एक ऑप्शन देख के चल रहे हो वो भी मुझे दोस्तों ज़रूर बताएगा।
तो गाइस वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट दोस्तों आप मिस ना कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।